हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, दिस इज टीटी आदिल क्यों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन व्लॉग्स। एंड चलिए प्रारंभ करते हैं। सो कल है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के अपडेट देने के लिए हम आ चुके हैं कहाँ? झूलेलाल पार्क। पीछे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा पंडाल लगा हुआ है, सारा सब कुछ कवर करने वाले हैं, और यहाँ पर और भी कुछ लग रहा है, और झूले वगैरह भी आ चुके हैं। लोग आज है नहीं, लेकिन कल क्या होने वाला है? कल धमाल होने वाला भाई, पप्पा आने वाला भाई। तो सब लोग आइए, यहाँ मेले का मजा लीजिए और गणपति जी के दर्शन भी करिए भाई। रोड पे पूरा ऐसा मस्त डेकोरेशन यहाँ के देखो, मतलब एक नंबर है भाई। वहाँ पर पूरा एकदम लाइट वाइट से बढ़िया से सजा दिया गया है, सामने वाले गेट पर भी सजा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, मतलब 10 में से 10 नंबर देंगे हम। हाँ भाई, इस पंडाल को आप देखो कैसा था और कैसा बना दिया है। सो आपने पिछली वीडियो देखा ही होगा, पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। यहाँ पर जो टावर लगाया गया है, लाइटों का टावर, तो वो बांस से बना दिया भाई। अबे जब इतना बड़ा पंडाल रुक सकता है, तो ये टावर क्यों नहीं रुक सकता भाई? बात तो सही है भाई, ये कोलकाता बंगाल वाले भाई तरक्की पे है कोलकाता वाले। तो भाई आगे दिखाते हैं भाई, रिपोर्टर वगैरह है भाई, रिपोर्टिंग वगैरह हो रही है भाई। यहाँ से तुम्हें एक चीज दिखा देते हैं हम, यहाँ से देख सकते हो जहाँ पर सीढ़ी रखी है, उसके पीछे बप्पा विराजमान हो गए हैं, लेकिन अभी उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ लोग आ भी चुके हैं, और आई थिंक हम वहाँ पर पता नहीं जा सकते नहीं जा सकते हैं। तो ये है पंडाल कुछ इस टाइप का, यहाँ पर अभी काम वाम चल रहा है। अपडेट कितनी प्यारी है भाई, आज हम यहाँ तक आ रहे हैं, कल नहीं आने वाले, कल हम वहीं बैठेंगे उस जगह पर, आ ही नहीं पाएंगे यहाँ तक, इतनी भीड़ है। तो हमारे जो गणपति बप्पा हैं वो फाइनली आ चुके हैं, ये देखिए आप, आज पास से देख लो हो सकता है कल ना आ पाए हम। आओ बेस दिखाते तुम्हें भाई, दो बेस रखे हैं, एंड लाइनर रखे हुए हैं, टॉप रखे हुए हैं, हमारे मॉनिटर्स वगैरह रखे हुए हैं, क्रेन कैमरा वगैरह भाई, LED कैमरा, क्रेन वगैरह सब कुछ हो गया, सारा इंतजाम हो गया भाई। ये हमने कभी नहीं सोचा था, हमने ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सोची थी कि इस छत को इतना प्यारा बनाएंगे। बराबर मतलब लगा असली लगा, झूमर लगा, क्या बात है भाई, क्या बात है, खूबसूरती। तो यहाँ पर रोल वाला पर्दा भी लगा दिया गया है, ताकि जब इसको ऐसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए जब आरती होती है, पूजा होती है, कुछ होता है, तब इसे बंद कर दिया जाता है, उसके बाद इसे खोला जाता है। और ये वाला वही स्टेज है जहाँ पर हम चढ़ के गए थे, और उस जगह पर मैंने बताया था आपसे कि वहाँ पर गणपति जी विराजमान होंगे, और वो होगा हमारा रास्ता, जो दर्शन करने के बाद हम निकल सकते हैं बाहर। और ये होगा वो स्टेज जहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह होगी, डांस वगैरह लोग करेंगे, तो ये वो जगह है। बाकी ये रैंप वगैरह यहाँ पर बना दिया गया है, बाकी जो डेकोरेशन करी गई यहाँ की, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। बाकी आप ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, उस डिज़ाइन को हाथों से बनाया गया है, ना कि किसी मशीन से बनाया गया है, तो इस डिज़ाइन को हाथों से बनाया गया। हालांकि ये मैं दुर्गा पूजा में आपको प्रॉपरली दिखा दूँगा किस टाइप से बनाते हैं, और वो सारी जो ऊपर डिज़ाइन देख रहे हैं, वो सारी भी डिज़ाइन सिर्फ हाथों से बनी हुई हैं। तो हमने यहाँ का एड्रेस बता दिया था पिछली वीडियो में जब ये बन रहा था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ये किस जगह पर पड़ता है। ये है झूलेलाल पार्क, सामने हनुमान धाम, उस सामने है हनुमान सेतु, पा सकते हो, जस्ट आप हनुमान सेतु आ जाओगे, लोकेशन पे सर्च कर सकते हैं, झूलेलाल पार्क, हनुमान सेतु, हनुमान धाम। ये हनुमान सेतु अगर आप पकड़ोगे तो फिर आराम से यहाँ पर आ सकते हो। तो ये पार्क पे आप आ सकते हो, जस्ट उसी पार्क में लगा हुआ है हमारे गणपति बप्पा का एक बहुत ही भव्य पंडाल। तो यहाँ पर आओ, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, लोकेशन मैप के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी उधर प्रसाद वगैरह बन रहा है, खाना वगैरह बन रहा है, जो कुछ भी है, और ये सारे टेंट भी लगे हैं। बाकी इस साइड पर लगने वाले हैं हमारे पब्लिक के लिए झूले, जो आकर एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी तगड़े तगड़े प्रोग्राम भी होने वाले हैं इस जगह पर। तो आप लोग यहाँ पर स्पेशली करके ज़रूर आइए।
और बाकी ये जो बैरिकेडिंग आप लोग देख रहे हो, ये बैरिकेडिंग दर्शन के लिए घुमावदार लगाई जाएगी, पब्लिक उसमें एडजस्ट हो जाए ताकि हाँ एक लाइन से आप आ जा सकें। बाकी ये हमारे इस साइड पर देख रहे हैं झूले वगैरह आ चुके हैं, कल आएंगे सब मिलेगा, तो कल प्रॉपर मिलेगा हर एक चीज, सब कुछ मिलेगा, खाने पीने से लेके आइटम सारे आइटम मिलेंगे आपको। आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो यहाँ पर छोटे मोटे झूले नहीं, काफी हैवी झूले भी आए हैं भाई। एक तो ये वाला है, बाकी बड़ों के लिए भाई ये वाला झूला है, और बाकी उधर ब्रेक डांस है छोटे बच्चों के लिए है, और नाव वाला जो ये खतरनाक वाला है भाई। इस साइड पर है हैमर वाला झूला, बाकी एक और है जो ये राउंड करते हुए ऊपर जाता है। बाकी कल की वीडियो भी आएगी, कल की वीडियो ताकि आप लोग कल आ सकें। ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ कल, यानी कि 19 सितंबर को। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, जिस दिन देख रहे होगे, जिस दिन अपलोड हुई होगी, रात में आप आ सकते हो इस जगह पर, यानी कि 19 सितंबर की शाम को आप आ सकते हो यहाँ पर 2023। बाकी पिज्जा बोर्ड वगैरह वगैरह तो यहाँ पर हमें लग रहा है वो वाला माउंट जो हमें कार के लिए चाहिए वो मिल जाना चाहिए, आई होप मिल जाएगा। तो जी ये है हमारे गणेश चतुर्थी का पंडाल, जो कि आप लोग कल जरूर जरूर आइएगा यहाँ पर, और कितना ही भव्य सजा हुआ है, खूबसूरत सजा हुआ है, और कल जो पब्लिक आने वाली है इस जगह पर तो वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है भाई। इस जगह पर यहाँ तक आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाह रहे थे, यही कि कल आप अगर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आप झूलेलाल पार्क जरूर आइएगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, टेक इट टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, बॉम्बे, सब बढ़िया, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गणपति बप्पा मौर्या।